ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। जोधा से दूर जा रहा था जलाल, मुगलिया सल्तनत की राजधानी आगरा की ओर। कहने को मुगलिया सल्तनत की जान था ये नगर, बहुर की नींव, हुमायूं का सपना और जलाल का दिल था ये नगर आगरा। होशियार बान, बाखबर हो तख्ते बादशाह, वारिसे नस्ले तैमूरी, नूरे बाबरी, इब्ने हुमायूं, रहमते आली, रौनक जहां, शहंशाह हिंदुस्तान, जलालुद्दीन मोहम्मद शाहजहांपुर से आगरा तशरीफ ला रहे हैं। मुगल शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद। सल्तनत की शान जैसा ये महल बादलगढ़ है और इसी महल के कोने में बसा पर्दा नशीन हरम, जहां मुगलिया सल्तनत की जनानियां रहती थीं। यहां सुंदरता थी, नाच था, ऐशो आराम की हर चीज मौजूद थी। कुछ लड़कियां ब्याह कर लाई गई थीं, कुछ जंग में जीत कर और कुछ जबरन उठाई गई थीं। पर सभी लड़कियां खुद को शहंशाह की बेगम समझती थीं। ए दिलदार, कहां तक पहुंचे शहंशाह? हम जानते हैं, आपको सब पता है कि वो किस और किस दिशा से पहले आएंगे। वैसे भी बहुत इंतजार करवा लिया उन्होंने इस बार। हाँ हाँ हाँ, अरे कोई इनकी आंखों को तो देखो, कैसी सूखी झील सी हो गई है। ये शहंशाह का हरम है, पर वो यहाँ अपना ज्यादा वक्त नहीं बिताते थे, इसलिए हर कोई उनकी नजरें इनायत चाहती थी। और कितना समय लगाएंगे? अरे कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ भी नहीं बदलेगा। हाँ, शहंशाह आप लोगों की तरफ देखेंगे भी नहीं। रुको दिलदार, हमारी बात तो सुन लो। इस बार कुछ ऐसा कर दो कि शहंशाह सीधे हमारे आगोश में आ जाए। अरे पहले अपने बदन का गोश्त तो कम कर ले, फिर आगोश की बात करना। अरे ए होशियार। हाय, मेरी तशरीफ का क्या होगा? मेरी तस्वीर शहंशाह की आंखों के सामने बना दे, फिर देख जो बोलेगी वो दूंगी। शहंशाह न तुमसे मिलेंगे, न तुमसे और न तुमसे, वो तो आएंगे तो सीधा। ए होशियार, हमारे बालों में ऐसी खुशबू डालो कि हमारे बालों की खुशबू से शहंशाह मदहोश हो जाए। ए बिनाज बेगम, इस तरह से तो एक दिन आप अपने बाल ही जला लेंगी। 2 महीने तक शहंशाह के दीदार हो जाए तो इसे आप अपनी खुशकिस्मती समझिएगा। हाँ। तो तुम्हारा कहना है कि हमें उनका दीदार तक नहीं होगा? ना, नहीं। पर ये मत भूलो कि हम भी उनकी बेगम हैं। बेगम? आप बेगम है तो वो बादशाह बेगम है, जो सिर्फ नजरें ही नहीं मिलाती बल्कि सीधा दिमाग भी कब्जा करती है। या खुदा, वो औरत ऐसा क्या है उस रुकैया में जो हम में नहीं है? उनमें जो है वो आप सब में नहीं है, अकल। कौन थी जो हरम की बेगमों की बेगम थी? जलाल की बेगम साहिबा थी। वो एक ऐसी लड़की थी जिसने कभी जलाल के बाल नोचे थे, जिसने कभी जलाल के पैरों में पैर फंसाकर जलाल को जमीन पर गिराया था और खुद उसके सीने पर जा गिरी थी।
जलाल की वो बचपन की दोस्त थी। 9 साल में शादी हुई थी उनकी और तब से वो उसे जानती थी। वो एक ऐसी लड़की थी जो सिर्फ नजरें मिलाकर जलाल का हाल जान लेती थी। वो जलाल की दोस्त भी थी, ब्याता बेगम भी, हमराह भी थी, हमराज भी। जितना यकीन जलाल को अपने आप पर था, उतना ही यकीन था उसे रुकैया पर। रुकैया जलाल की मोहब्बत थी और हरम में जलन की वजह भी। दिखने में आम लड़कियों जैसी थी पर उसकी सियासती समझ खास थी, इसलिए जलाल खास मसलों में उसकी राय हमेशा लेता। बेगम साहिबा, शहंशाह की वापसी मुबारक हो। शहंशाह आप सिर्फ 2 मीनार की दूरी पर हैं। बेगम साहिबा का इंतजार अब खत्म हुआ। शहंशाह अब सिर्फ 1 मीनार की दूरी पर है। हाँ, आदाब बेगम साहिबा। शहंशाह सही सलामत आगरा में तशरीफ ला चुके हैं। शहंशाह कभी भी यहाँ पहुंच सकते हैं, आज हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। जलन की भी हद होती है नाजिमा, तुमने जानबूझकर धक्का दिया हमें। हम तुम्हें क्यों धक्का देंगे, हमारा बस चले ना तो हम अपनी नजरों से भी ना छुए तुम्हें। जहन्नुम तक नसीब नहीं होगा तुम्हें नाजिमा। लो सुन लो, जीता जागता सुहाग सामने खड़ा है और ये जनानियां यहाँ टीके के लिए रो रही हैं। भी सजलो सबर लो, लेकिन शहंशाह के दिल में रुकैया की जगह और कोई नहीं ले सकता।
शहंशाह की नजरों में तो तुम्हारी कोई तवज्जो ही नहीं, वो तो सिर्फ रुकैया पर ही रुकी रही। यहाँ आगरा में औरतें ऐशोआराम और एक दूसरे से तकरार में जुटी हुई थी, और वहाँ आमेर में सारी औरतें मुश्किलों का सामना करने के लिए एकजुट हो रही थी। आप हमें यहाँ क्यों लेकर आई हैं? ये गुप्त सुरंग दिखाने, ताकि अगर युद्ध में हमारी पराजय हुई तो उन मुगल भेड़ियों से बचने का हमारे पास केवल यही एक रास्ता रह जाएगा, और ये रास्ता हमको आमेर के बाहर तक ले जाकर छोड़ेगा। और फिर? फिर हमारे पास केवल दो रास्ते होंगे, एक हमारा नसीब और दूसरा जौहर। नहीं भाभी साहब, अब आपको ये सोचने की आवश्यकता नहीं है, उल्टा हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी विजय होगी और अवश्य होगी, और हमारी यही सोच हमारे योद्धाओं की तलवार की धार बनेगी। और अब बापू साहब अकेले भी नहीं है, उनकी मदद के लिए भानपुर भी हमारे साथ है। अरे भाभी साहब, क्या हुआ आपको? भाभी साहब पेट से है जोधा। सच? हम अभी जाकर भाई साहब को बताते हैं, वो सुनकर कितने खुश होंगे। नहीं नहीं जो, क्यों नहीं भाभी साहब, ये तो आमेर के लिए कितना बड़ा अवसर है, राजा भारमल के यहाँ पोता होगा। मासा और बापू साहब भी सुनकर कितने खुश होंगे, हम अभी जाकर घोषणा करवाते हैं। जोधा नहीं, अभी नहीं। क्या आप इतनी बड़ी खुशी की बात छुपाना क्यों चाहती हैं? अब भाई साहब तो इस बारे में जानते हैं ना? सही समय आने पर उन्हें भी बता देंगे। तो फिर अभी क्यों नहीं भाभी साहब? क्योंकि अभी हर जगह युद्ध के नगाड़े बजते सुनाई दे रहे हैं, और ऐसे में अगर उन्हें ये पता चला कि हम पेट से हैं, वो बहुत परेशान हो जाएंगे। ऐसे माहौल में हम औरतों को उस त्याग के लिए तैयार रहना होगा। क्या हम औरतें सिर्फ त्याग के लिए ही बनी है? वो देखिए हमीदा बेगम जलाल को सेवैयां खिलाने आ रही। यह अक्सर मम्मी का होता है। हाँ हाँ वही तो है, हमीदा बेगम ही तो आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद, आगरा में वापसी मुबारक हो जलाल, ये हमारे लिए बहुत खुशियों का वक्त है। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। गुस्ताखी माँ, आप मुंह मीठा कर सकते हैं। आप मलिका आजम का हाथ कैसे रोक सकती हैं महामंगा? आपने मलिका आजम की नियत पे शक किया? गुस्ताखी माफ हो मलिका आजम, हम आपके इरादों पर शक नहीं कर रहे हैं। सेवा या बावर्ची खाने से आई है, शहंशाह की सलामती हमारा फर्ज है। आप कहना क्या चाहती हैं? मरियम अक्कानी जलाल को? हमने कहा हम किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, हम बस अपना शक दूर कर रहे हैं। और अगर वाकई इसमें जहर होता तो क्या होता? हमारी सांसें हमारे शहंशाह के नाम कुर्बान हो जाती। हम खुद की भी इतनी फिक्र नहीं करते हैं जितनी आप हमारी फिक्र करते हैं। अब हम ये सेवैयां सिर्फ आपके हाथों से पिएंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, अगर हम माँ हैं तो आप भी तो दाई माँ हैं।
इस औरत से बहुत खबरदार रहने की जरूरत है। ऐसा आप कह रहे हैं वकील सल्तनत? बलाएं लेकर जहर देने वाली है ये औरत। चश्मे नूर खुशबूए हुस्न जो आपके दिल और दिमाग को मदहोश कर दे, ऐसा है ये त्रिशंचा। हाय सुभान अल्लाह। रुकैया के दिल और सल्तनत आगरा में आपका इस्तकबाल है शहंशाह। ये सब क्या है रुकैया? खेल जो आप अधूरा छोड़कर चले गए थे। बहुत जिद्दी हैं आप। वो तो हैं। एक तो औरत, दूसरी जवां, तीसरी मुगलिया सल्तनत के शहंशाह की दिलो जान। जिद हमारा हक है। अब हारने के लिए तैयार हो जाइए। आखिरी चाल हमने चली थी, अब आपकी बारी। ये चाल मतवाली नहीं, मातवाली थी शहंशाह। क्या करें, आपने तो हमें चारों तरफ से घेर लिया है। अब हार तो तय है आपकी। जानते हैं आप कि जब बचपन में पहली बार खान बाबा ने हमारे हाथों में शमशीर थमाई थी, तब क्या पूछा था हमसे कि हम सबसे पहले किसे मारेंगे? और हमने कहा हमारी शिकस्त को, ताकि वो फिर हमें दोबारा ना मिले, क्योंकि हमें हारना बिल्कुल पसंद नहीं। पर हमें जीत पसंद है, इसलिए तो दिल हार कर जीत लिया था आपको। ये लीजिए, देखते हैं आज कौन किसे मात देता है। कमाल की चाल चली आपने। आपके साथ इतनी बड़ी फौज थी, लेकिन सबकी आंखों में धूल झोंक कर आप इतने दिनों के लिए कहां गायब हो गए, किसी को पता भी नहीं चला। आप खामोश क्यों हो गए? कोई नई चाल सूझ रही है, या तो फिर चोरी पकड़ी गई, इसलिए हैरान। अब तुमसे क्या छुपाना, क्योंकि हम एक शौहर और बेगम से ज्यादा एक अच्छे दोस्त हैं। हम आमेर गए थे,